सो आज का वीडियो है कोर्सिका आइलैंड के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे इंडिया के किसी भी कोने से कोर्सिका आइलैंड पहुंच सकते हैं ना चीपेस्ट पे, और वहां क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने के लिए। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। कोर्सिका फ्रांस का एक माउंटेनियस आइलैंड है जो फ्रांस के मेन सिटी से 1000 किलोमीटर दूर है। ये जगह अपने ब्यूटीफुल सीनेटिक कोस्ट लाइन्स के लिए फेमस है। यहाँ पर कुछ अमेजिंग बीचेस और माउंटेन्स है विद इनक्रेडिबल ब्लू एंड ग्रीन वाटर, और ये नॉर्थ यूरोप का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कोर्सिका का ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। आपको कोर्सिका जाने के लिए सेंजिन वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा। कोर्सिका फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्टे का बर्थ प्लेस है। कोर्सिका में टोटल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, पर सबसे पॉपुलर और कन्वीनियंट एयरपोर्ट है अजाकियो एयरपोर्ट। अब आपको यहाँ चूज़ करना पड़ेगा कि आप फास्टेस्ट वे से पहुँचना चाहते हैं या चीपेस्ट वे से। जल्दी पहुँचने का फ़्लाइट दिल्ली से है। इसका वन वे फ़्लाइट का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 26,600 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन। ये 14 hours 25 minutes का जर्नी होगा विद वन स्टॉपेज इन बिटवीन, दैट इज़ पेरिस। और दूसरा है चीपेस्ट बट टाइम कंज्यूमिंग फ़्लाइट जो चेन्नई से है, जिसका वन वे फ़्लाइट का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 24,300 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन। ये 22 hours 30 minutes का जर्नी होगा विद टू स्टॉपेज इन बिटवीन, दैट इज़ दिल्ली एंड पेरिस। अगर आप अपने जर्नी को एडवेंचरस बनाना चाहते हैं तो आप शिप के थ्रू भी जा सकते हैं। पहले आप फ़्लाइट पकड़ के इटली या फ्रांस आ जाए, फिर वहाँ से शिप पकड़ के कोर्सिका आइलैंड जाया जा सकता है। सो ये था कि आप कोर्सिका कैसे पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यूज होटल्स टू स्टे इन कोर्सिका। नंबर 1 है होटल फैच। ये एक 4-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 5,800 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 persons। ये एयरपोर्ट से 5.4 किलोमीटर दूर है, 10 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। सेकंड है स्पुंता दी मारे। ये भी एक 4-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 6,200 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 persons। ये एयरपोर्ट से 2.8 किलोमीटर दूर है, 5 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। थर्ड होटल है होटल सैन कार्लो। ये एक 4-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 8,000 रुपीज़ के आसपास पर 2 persons। ये 4.6 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, 10 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। फोर्थ है होटल कैंपो दिलोरे। ये भी एक 4-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 9,200 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 persons। ये एयरपोर्ट से 1.7 किलोमीटर दूर है, 5 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। फिफ्थ है होटल बेस्ट वेस्टर्न। ये एक 5-स्टार और लग्जेरियस होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 persons। ये एयरपोर्ट से 4.1 किलोमीटर दूर है, 8 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। सो ये था टॉप 5 होटल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 10 थिंग्स टू डू इन कोर्सिका। नंबर 1 रीजनल नेचुरल पार्क। दिस नेचुरल पार्क कवर्स नियरली 40% ऑफ द आइलैंड ऑफ कोर्सिका। द मेन एम ऑफ दिस पार्क इज टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड द वाइल्ड लाइफ। देर आर ऑलमोस्ट 28,000 इनहेबिटेंट्स इन दिस पार्क। This place is mostly preferred by tourists for hiking and adventure. And there are also some really beautiful and warm water streams. Second है कैलेंक्वीज डी पियाना। ये एक बहुत famous natural place है जो पियाना में located है। ये अजाकियो और कैलवी के main city के बीच में पड़ता है। यहाँ पर एक driveway है जो बहुत narrow है और steep है। ये जगह इसी driveway के लिए famous है जो आपको एक बहुत natural view देती है। यहाँ के बस stunning sunset और sunrise को देखने के लिए इस जगह पर बहुत भीड़ होती है। थर्ड है बीच रोंडियाना। ये कोर्सिका का एक बहुत फेमस सी बीच है। ये जगह फेमस है अपने क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर और फाइन सैंड के लिए, जो पूरे एरिया का एक बहुत स्पेक्टेकुलर व्यू देती है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स और कैफेज़ वगैरह बहुत आराम से मिल जाएंगे, और आप यहाँ पर कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी ट्राई कर सकते हैं जैसे कि स्नॉर्कलिंग, बोटिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। फोर्थ है किंग ऑफ एरागन स्टेयरकेस। ये एक बहुत ही स्टीप स्टेयरकेस है जो किंग ऑफ एरागन ने बनाया था 1420 में। तब से लेकर आज तक ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इसमें टोटल 187 स्टेप्स है, और आप इससे नीचे तक जा सकते हैं जो आपको एक थ्रिलिंग व्यू देगा। ये स्टेयरकेस नीचे एक नेचुरल स्प्रिंग और केव की तरफ जाता है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिफ्थ है प्लेस सेंट निकोलस। ये जगह बस रिलैक्स करने के लिए है। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। आपको यहाँ से पूरे सी और हार्बर का एक स्पेक्टेकुलर व्यू मिल जाएगा। ये जगह बच्चों के लिए और शॉपिंग करने के लिए परफेक्ट है। सिक्स्थ है लासिता दैली दी कैलवी। ये कोर्सिका का एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये एक बहुत पुराना और ब्यूटीफुल सिटी है जो 13th century में बना था। इस सिटी से आपको पूरे ओशंस हार्बर और पोर्ट का एक बहुत स्पेक्टेकुलर व्यू मिलेगा, और ये सिटी एक हिल टॉप पर लोकेटेड है। सेवेंथ है प्री हिस्टोरिक स्टेशन
फिलीतोसा। ये एक बहुत फेमस और हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जो सारा कारो में लोकेटेड है। यहाँ कुछ बहुत फेमस और पुराने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे देखने हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। ये सब स्ट्रक्चर बनाया गया था बिटवीन द एंड ऑफ नेपोलियन एरा एंड द बिगनिंग ऑफ ब्रॉन्ज एज। 8th है मैसन बोनापार्टे। ये नेपोलियन बोनापार्टे का घर हुआ करता था जिसमें अब उसके फैमिली मेंबर्स रहते हैं और ये एक बहुत फेमस म्यूजियम बन चुका है। ये हाउस जनरल पब्लिक के लिए ओपन है और आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मंडे छोड़कर रोज खुला रहता है और इसका टाइमिंग्स है अक्टूबर से मार्च में 10:30 टू 4:30 PM और अप्रैल से सितंबर में 10:30 टू 6 PM। इसका एंट्री फीस है 540 रुपीज़ पर अडल्ट। 9th है ए कुपुलेटा। ये एक बहुत फेमस टॉर्टोइज और टर्टल पार्क है। ये बहुत ही पीसफुल प्लेस है और यहाँ पर काफ़ी अलग तरीके के टर्टल्स और टॉर्टोइज प्रेजेंट है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत बड़े और पुराने टर्टल्स है एंड दिस प्लेस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर किड्स। 10th है स्कैंडोला नेचर रिजर्व। ये नेचुरल रिजर्व कोर्सिका के वेस्ट कोर्स पर लोकेटेड है। ये 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये मोस्टली पूरे पानी को एक्सप्लोर करने का जगह है और आपको इसे बोट से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा कि ये एक बहुत फेमस प्लेस है सो आपको दो दिन पहले ही अपना बोट बुक करना पड़ेगा। ये जगह बहुत फेमस है अपने ब्यूटीफुल सीनरी के लिए। सो ये था लिस्ट ऑफ टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन कोर्सिका। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कोर्सिका के ऑफिशियल वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय योर जर्नी।